तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पे आधारित हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जब भी मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट को आप ओपन जरूर करिएगा एक बार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये आपके भाई का फेसबुक पेज है, इस पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की टेस्ट यानी आज की वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट में, वो है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो नंबर एक ऑप्शन है 1995, बी नंबर है 1994, सी नंबर 1990, डी नंबर 2005। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको मालूम तो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि पिछले बैच के जो भी स्टूडेंट थे, मैक्सिमम कई स्टूडेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। हालिया मैंने बताया था इसका करेक्ट आंसर उन लोगों को, तो उन्होंने बोला कि सर, जो आपने बताया था, क्वेश्चन आया भी था, उसका करेक्ट आंसर भी मैंने कर दिया और वो अच्छे ग्रेड से पास भी हो चुके। अच्छी बात, कुछ ही दिन पहले उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, पिछले मंथ वालों का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर 1995 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAC यानी कि मैक एड्रेस का साइज क्या है या क्या होता है। तो नंबर एक है 50 बिट, और बी नंबर है 8 बिट, सी नंबर है 10 बिट बाइट, और डी नंबर है 45 बिट्स। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, यदि आपको मालूम है तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, जो मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो क्या है इसमें से, वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, ठीक है, 45 बिट्स, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन कई बार भी पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, EDP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नंबर एक है इलेक्ट्रॉनिक डेस्कटॉप पब्लिश, बी नंबर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, सी नंबर है इंटर डेटा प्रोसेसिंग, डी नंबर है नन। तो EDP का जो फुल नेम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, ठीक है। आप अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, इनको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को रट के जाइएगा, आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रे क्या है। नंबर एक मिनी कंप्यूटर, नंबर बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी नंबर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, डी नंबर माइक्रो कंप्यूटर। जो स्टूडेंट हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं उनको क्रे के बारे में मालूम होगा, क्योंकि पिछली वीडियो कई वीडियो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, बताया भी है। तो क्रे एक प्रकार का आपका क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSO का पूर्ण रूप क्या होता है। ए नंबर सिंपल साइन, ठीक है, ओपन, और बी नंबर सिस्टम सिक्योर ऑन, सी नंबर सिंगल साइन ऑन, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, SSO का फुल नेम होता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA का पूर्ण रूप क्या होता है। VGA मैं आपको बता दूं, VGA एक प्रकार की केबल होती है जो कि आपके कंप्यूटर से जोड़ी जाती है, तो उसका फुल नेम क्या होता है। तो नंबर एक ऑप्शन है विजुअल ग्राफिक अरेंज, बी नंबर है वीडियोग्राफ अरे, सी नंबर है वीडियो ग्राफिक्स अरे, और डी नंबर है नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। क्या हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स अरे, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट और टाइम कहाँ पर दिखाई देता है। तो नंबर एक है मेनू बार, बी नंबर टास्क बार, सी नंबर इंफॉर्मेशन बार, डी नंबर नोटिफिकेशन बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो डेट और टाइम कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो डेट और टाइम आपको सबसे नीचे टास्क बार पे देखने को मिलता है, यानी कि टास्क बार के साइड में आपको देखने को मिलता है। आई होप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भी कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है सारी प्रोसेस।
तो जो टास्क बार पे होता है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी बार देखने को मिलता है साइड में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोटिफिकेशन बार। अगर वहाँ पर जैसे कि नोटिफिकेशन कहीं पे नहीं होता है ऑप्शन में, तो आप टास्क बार सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज के आरंभ में जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? नंबर एक कंट्रोल प्लस ए, बी नंबर पेज अप, सी नंबर कंट्रोल प्लस होम, डी नंबर इंड। पेज के आरंभ में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी है पेज अप यानी कि पेज के आरंभ में जाने के लिए, या फिर कंट्रोल प्लस होम या इंड। इंड की तो नहीं हो सकती, आप लोगों को पता है, कंट्रोल ए भी नहीं हो सकता। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पेज अप होगी या कंट्रोल प्लस होम, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप बता सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को ही बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए या प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज क्या होती है या किस की का प्रयोग किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए लिब्रे ऑफिस में? लिब्रे ऑफिस एक नया सिलेबस ऐड हुआ है, जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं मैं, लिब्रे ऑफिस एक नया सिलेबस ऐड हुआ है जो पिछले कई महीनों से लगातार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो लिब्रे ऑफिस जितना हो भी सके आप ट्रिपल सी के एग्जाम में, ट्रिपल सी के एग्जाम में आप लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड सब सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। मैंने भी लिब्रे ऑफिस के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप स्पेशल क्लासेस देख लीजिए। आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट ओ, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक साथ एक समय में दोनों तरफ से बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो नंबर एक है हाफ डुप्लेक्स, बी नंबर सिंपल, सी नंबर फुल डुप्लेक्स, डी नंबर इनमें से सभी। तो आपको वो कहलाएगा फुल डुप्लेक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से हो रही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम भी होता है, तो आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने कई बार बताया है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि ट्रू, जंक ईमेल को हम स्पैम के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ किया जाता है, तो जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, मॉडम का कनेक्शन जो होता है फोन लाइन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ किलोबाइट होता है, तो केबी का जो फुल नेम होता है वो किलोबाइट ही होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ट्रू। ठीक है, केबी एमबी मेगाबाइट होता, लेकिन केबी का फुल नेम होता है किलोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है, तो जितने भी हमारे कंपोनेंट यानी कि जितने भी हमारे सर्किट लगे होते हैं सब, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया और सब सर्किट इससे लगे होते हैं, तो मेन हमारा मदरबोर्ड ही होता है जिससे सभी सप्लाई जाती है। ठीक है, यानी कि मेन सर्किट हमारी मदरबोर्ड ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये थोड़ा टाइप करने में मिस हुआ है, ये क्वेश्चन मतलब ये है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जी फोटोशॉप आप लोगों का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि बाहर से इंस्टॉल करने यानी बाहर से हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, उसे ही एप्लीकेशन बोलते हैं जो कि हम बाहर से डाउनलोड करते हैं नेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउजर कहते हैं, जैसे भी कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज या कोई भी आपको साइट ओपन करनी है तो वहाँ पर आप किसी न किसी ब्राउजर का यूज जरूर करेंगे। ठीक है, तो उस प्रोग्राम को हम ब्राउजर ही कहते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तब वह मल्टी प्रोसेस कहलाएगा, तो जी सिंपल सी बात है, जब आप प्रोसेसर ज़्यादा होंगे तो मल्टी हो ही जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि डी नंबर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को विंडो एक्सपी के बारे में नहीं मालूम होगा कि एक्सपी का जो एक्सपी तो सबको मालूम होता है कि हाँ विंडो एक्सपी होता है, लेकिन एक्सपी का फुल नेम नहीं मालूम होता। ठीक है, उसका मतलब, तो उसका मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज पता चल गया होगा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है, तो जो आप लोगों का टास्क बार होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? टॉप पे तो होता नहीं है, वो होता है बॉटम में ही, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाल्स, क्योंकि कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
अगर आप ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप डेली हमसे ज्वाइन रहिए, मैं डेली क्लासेस अपलोड करता हूँ। अगर आप सारी क्लासेस देख लेंगे तो एग्जाम में आपको टेंशन लेने कोई आवश्यकता नहीं, आप अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन्फॉर्मेशन यानी मेरे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन में या मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पसंद आते हैं, आपके लिए यूजफुल होते हैं, तो आप प्लीज़ मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन में जैसे कि मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा और अगले कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।